मिस्टर रॉय की डेड बॉडी उनके लाइब्रेरी में मिलती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जहर खाने से उनकी डेथ हुई है, लेकिन मिस्टर रॉय के बाजू में जो जहर की बोतल रखी हुई है वो तो सील पैक है, मतलब बोतल खुली ही नहीं है। तो मिस्टर रॉय ने ये जहर तो नहीं खाया है, फिर उनके बॉडी में जहर गया कैसे? सुबह से कोई उनके घर नहीं आया है। बाजू में एक नोट भी मिलता है, मैं ये केस नहीं जीत पाया इसलिए खुद को मार रहा हूँ। पर सवाल ये था कि उनकी डेथ हुई कैसे और जहर उनके बॉडी में गया कैसे। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है इस केस की छानबीन करने। तो मिस्टर रॉय बहुत बड़े एडवोकेट थे, मतलब इनके उतने ही दुश्मन भी होंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके पास कोई ग्लास भी नहीं है, जहर की बोतल भी सील्ड है, तो जहर अंदर गया कैसे? तभी मेहुल को एक क्लू मिलता है। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लू मिला होगा? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए, चाहिए तो वीडियो को पॉज कर दीजिए। मिस्टर मेहरा बुक पढ़ रहे थे तो शायद इसी बुक में जहर हो जिससे जहर उनकी बॉडी में गया हो। लेकिन अगर बुक से जहर बॉडी में गया तो जहर की बोतल यहाँ क्या कर रही है और ये नोट क्यों पड़ा हुआ है? मेहुल उनके घर में रहने वाले दो लोगों से पूछताछ करता है तो कुक कहता है, सर आज मिस्टर रॉय बहुत टेंशन में थे, सुबह से कुछ खाया पिया ही नहीं था। मेट कहता है, सर मिस्टर रॉय दिन भर बुक्स ही पढ़ते रहते थे, मुझे लाइब्रेरी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई तो शहर पे था। क्या आप इन दोनों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं ये कौन सी सिटी का नाम है और उसी से लाइब्रेरी का नाम निकलेगा? रैट प्लस लैम्प मतलब रतलाम, रतलाम लाइब्रेरी। मेहुल तुरंत रतलाम लाइब्रेरी पहुंच जाता है। मेहुल लाइब्रेरियन से उस बुक के बारे में पूछता है तो लाइब्रेरियन बताता है कि बुक पहले मिस्टर वर्मा लेके गए थे, उन्होंने सुबह लाके वापस रख दिया और फिर शाम को मिस्टर रॉय लेके गए। मिस्टर वर्मा ये कौन है? तो लाइब्रेरियन बताता है कि सर वो भी बहुत बड़े एडवोकेट है, मिस्टर रॉय और मिस्टर वर्मा के बीच में केस भी चल रहा है, काफी सीरियस केस चल रहा है वो। मेहुल तुरंत मिस्टर वर्मा के घर पहुंच जाता है। क्यों मारा तुमने मिस्टर रॉय को? मारा? क्या मिस्टर रॉय की डेथ हो गई? कब? कैसे? तुमने ही खून किया है उसका, बताओ क्यों किया? क्या आप मिस्टर वर्मा के घर को देख के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। पूरे वॉल पे मिस्टर रॉय के फोटोज हैं और उसपे तुमने इतने सारे डार्ट मारे हुए हैं, मतलब वो तुम्हारा दुश्मन होगा। हाँ सर वो मेरा दुश्मन था, मैं इतना बड़ा वकील हूँ लेकिन आज तक मैं उससे केस नहीं जीता, मैं उससे 10 केस हार चुका था। वो बेईमानी करके लोगों को पैसे खिला के केस जीत जाता था, कई मासूमों को उसके वजह से सजा हुई है। सर लेकिन ये केस मैं उससे जीतने वाला था, पहली बार मैं उसे हराने वाला था, मैं क्यों मारूंगा उसे? हाँ शायद तुमने उसे नहीं मारा। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि मिस्टर रॉय के पास जहर की बोतल क्यों रखी हुई थी। क्या आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं? मिस्टर रॉय खुद ही मरने वाले थे, पहली बार वो केस हार रहे थे, लेकिन उसके पहले ही किसी ने बुक में पॉइजन लगा के उन्हें मार दिया। मेहुल वापस लाइब्रेरी जाता है। फिर मेहुल लाइब्रेरियन से पूछता है, क्या कोई इस बुक को सुबह से शाम के बीच में लेके गया था? लाइब्रेरियन सोचता है और कहता है, नहीं सर मैं तो यहीं था, कोई लेके नहीं गया था और वो बुक लास्ट रैक में रखी है जहाँ कोई नहीं जाता है। हाँ लाइब्रेरी में किसी ने पढ़ा होगा तो बताना मुश्किल है। मेहुल उस रैक के फिंगरप्रिंट्स चेक करता है तो उसे बस 3 फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। क्या आप इन फिंगरप्रिंट्स को देख के बता सकते हैं ये फिंगरप्रिंट्स किसके हैं? पहला वाला तो मिस्टर रॉय का है, तीसरा वाला मिस्टर वर्मा का है, लेकिन ये एक्स्ट्रा फिंगरप्रिंट किसका है? शायद यही मर्डरर हो। मेहुल सोच में पड़ जाता है। धूल के वजह से फिंगरप्रिंट्स थोड़े बिगड़ गए थे तो किसके है मैच करना बहुत डिफिकल्ट था। सुबह से लेके शाम के बीच में लाइब्रेरी में 3 लोग थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है, क्या तुम लाइब्रेरी के उस कॉर्नर में गए थे? नहीं सर मेरे तो एग्जाम चल रहे हैं, मैं तो टेबल से हिला भी नहीं, पूरे दिन बस पढ़ाई कर रहा था। सर मैं उस साइड गया था लेकिन उन बुक्स के पास नहीं गया। सर पीछे रैक्स के बुक्स बुरे हाल में हैं, पेजेस भी फट रहे हैं, तो मैं वहाँ क्या करने जाऊंगा? मेहुल थोड़ा सोचता है और तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं?
जब तीसरा आदमी वहाँ गया ही नहीं तो उसे कैसे पता है कि बुक्स वहाँ फटे हुए है। मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि वो बहुत घबरा गया था, उसने कुछ नहीं किया है। वो मिस्टर रॉय का बहुत बड़ा फैन है और उनके बुक्स और उनके केस पढ़ता रहता है, उसे भी एडवोकेट बनना है। ये सब सुनने के बाद मेहुल का 1% पे शक बहुत बढ़ जाता है। मेहुल तुरंत मिस्टर रॉय के लास्ट 5 केसेस देखता है जो उन्होंने जीते थे और उनकी लिस्ट निकालता है जो हारे थे। एक नाम पे मेहुल की नजर अटक जाती है। क्या आप देख के बता सकते हैं वो नाम कौन सा हो सकता है? नाम है रोहन शर्मा। ये नाम तो पहचाना सा लग रहा है। लाइब्रेरियन का नाम रतन शर्मा है और इसका रोहन शर्मा, कहीं ये दोनों रिलेटेड तो नहीं? क्योंकि बुक लाइब्रेरी में कब आई और कब गई ये बस लाइब्रेरियन को पता था। मेहुल तुरंत लाइब्रेरियन के घर पहुंच जाता है तो देखता है कि उसके भाई की डेथ हो गई है। रोहन शर्मा की फोटो लटकी रहती है और उसपे हार होता है। पता चलता है कि उसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि वो केस हार गया था। मेहुल को समझते देर नहीं लगती कि ये बदला लेने के लिए ही शायद उसने मिस्टर रॉय का खून किया होगा। मेहुल रूम की चीजों को देखता है तो उसे एक और मर्डर का शक होता है। क्या आप रूम को देख के बता सकते हैं कि वो क्या चीज है? टेबल पे जहर की बॉटल रखी हुई है, मतलब शायद लाइब्रेरियन ने वापस ये बॉटल यूज की है। मेहुल तुरंत लाइब्रेरी की तरफ दौड़ता है और लाइब्रेरियन को पकड़ लेता है। लाइब्रेरियन मेहुल को नहीं बताता कि उसने किसको मारने की प्लानिंग की है। मेहुल लाइब्रेरी की लिस्ट निकालता है और लास्ट 5 लोग जिन्होंने बुक्स लेके गए उनके नाम देखता है। एक नाम देख मेहुल समझ जाता है कि लाइब्रेरियन का अगला निशाना कौन होगा। क्या आप इन नामों को देख के बता सकते हैं वो नाम क्या होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। और वो है मिस्टर वर्मा। मिस्टर रॉय केस जीत गए थे और मिस्टर वर्मा केस हार गए थे, तो लाइब्रेरियन उसे भी मारना चाहता था क्योंकि उसके वजह से उसका भाई मर गया था। मेहुल तुरंत मिस्टर वर्मा के घर पहुंच जाता है और उन्हें बुक पढ़ने से रोक लेता है। मिस्टर वर्मा बच जाते हैं। मेहुल केस सॉल्व कर लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। लोकेश का उसके रूम में मर्डर हो जाता है। मर्डर करीब 4 बजे हुआ है। उसकी वाइफ डिटेक्टिव मेहुल को तुरंत फोन करके बुला लेती है। मेहुल क्राइम सीन को ध्यान से देखता है लेकिन उसे वहां कोई क्लू नहीं मिलता। फिर मेहुल उसके घर की मेड और कुक से पूछताछ करता है। मेड कहती है, मैं तो करीब 3:30 को सर के रूम में चाय देने गई थी, उसके बाद मैं सर के रूम में नहीं गई। कुक कहती है, सर मैं तो लोकेश सर के रूम में कभी नहीं जाती हूँ, मैं तो डिनर की तैयारी कर रही थी, यहीं किचन में थी। फिर वाइफ कहती है, मैं करीब 3:45 को लोकेश के रूम में गई थी, वो स्टडी में था और चाय पी रहा था। मैं करीब 3:50 को रूम से बाहर आ गई और फिर सीधा मेरे रूम में चले गई। मेहुल तीनों की बातें सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं खूनी कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट में बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वाइफ जब रूम से बाहर आई थी तो करीब 3:50 हुए थे और चाय का कप रूम में ही था। लेकिन जब मर्डर हुआ तो चाय का कप रूम में नहीं था। कप रूम से सिर्फ मेड उठा सकती है और वो कप डाइनिंग पे रखा हुआ है ठीक मेड के पीछे। मतलब मेड जब कप लेने वापस गई होगी करीब 4 बजे, तब उसने लोकेश का खून किया होगा। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक गुफा में फंस जाता है। गुफा से बाहर निकलने के लिए मेहुल को 4 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे आग है, अगर मेहुल ने यहाँ से जाने की कोशिश की तो वो जल जाएगा। दूसरे दरवाजे के पीछे पानी है जिसमें खूंखार और बड़े क्रोकोडाइल्स हैं। मेहुल ने अगर यहाँ से जाने की कोशिश की तो क्रोकोडाइल्स उसे कच्चा चबा जाएंगे। तीसरे दरवाजे के पीछे जहरीले स्नेक्स है जिनके जहर से कोई नहीं बच सकता। चौथे दरवाजे के पीछे एक ब्रिज है लेकिन वो टूट रहा है, वो अब 1 ग्राम से ज्यादा भी वेट नहीं सह पाएगा। तो अब आप सोचिए और मुझे बताइए मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुफा के कोने में एक बाल्टी पड़ी हुई है। मेहुल दूसरा दरवाजा खोलेगा और बाल्टी लेके अंदर जाएगा। वो बाल्टी में पानी भर के लेके आएगा और पहले दरवाजे की आग बुझाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे थोड़ी देर में आग बुझ जाएगी तो मेहुल पहले दरवाजे से निकल पाएगा। तो लॉजिकल आर्मी, ऐसे और मेहुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।